और वोट लिए अपना परिचय देते हुए बच्चे बताएंगे कि भारत देश के राष्ट्रीय पुष्प का क्या नाम है। जब बोला नजदीक से बच्चों का चेहरा आ रहा है। चले बुलाइए तुम लोग उस तरफ, इसलिए कि टूटा हुआ है ना उसका सीन आ जाता है। ना इधर तरफ उधर का सीन नहीं आना चाहिए, कोई भी खराब सीन करेगी। मेरा नाम नैना कुमारी और मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मैं यहाँ ये बताने आई हूँ कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प का क्या नाम है। कमल। कमल। चलिए अब दूसरा क्या था? भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सा है? लाइए बाल मंच पर बच्चे बोलने परिचय देंगे और भारत देश के राष्ट्रीय मिठाई के बारे में बताएंगे। आइए कौन देगा बाल मंच पर आइए कौन देगा और बोलिए परिचय दीजिए, अपना नाम बोलिए और कक्षा का नाम बोलिए। मेरा नाम पागल कुमारी है, मैं कक्षा 3-4 की छात्रा हूँ। आज यह बता रहे भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन है? जलेबी। बहुत अच्छा, क्या नाम बोले? काजल। काजल के लिए फिर से तालियां। जलेबी। देखिए आज दो सवाल था, खाना एक था, भारत देश के राष्ट्रीय पुष्प का क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? कमल का फूल। फूल को संस्कृत में पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्प। याद रखिएगा, फूल का पर्यायवाची है। फूल को बहुत सारे चीज हम लोग बोलते हैं, फूल बोलते हैं, पुष्प बोलते हैं, प्रसून बोलते हैं, कुसुम बोलते हैं, बहुत सारे शब्द हैं, उसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो भारत देश के राष्ट्रीय पुष्प का क्या नाम है? अगर पूछा जाए राष्ट्रीय फूल का क्या नाम है? कमल। क्या होगा? जोर से बोलिए कमल। कमल। और दूसरा है, दूसरा सवाल था कि भारत देश के राष्ट्रीय मिठाई का क्या नाम? गुड, सभी बच्चों को याद रहेगा। हम लोग को देखते हैं ना, बहुत सारे राष्ट्र पर्व मनाए जाते हैं तो जलेबी बांटी जाती है, बांटी जाती है ना। हाँ तो, और हाँ हाँ एक क्वेश्चन था, वो बहुत सुंदर क्वेश्चन था। चलिए आप ही दिए थे उसको, बोलिए बोलिएगा। हम बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? लाइए बाल मंच पर बच्चों को बुलाइए, दौड़ते हुए बच्चे आएंगे, जिसकी इच्छा बुलाइए, जिसको इच्छा बच्चा छोटे बच्चों में से बुलाओ, छोटे बच्चों को बुलाइए, दौड़ते हुए बाल मंच पर जाइए, अपना बोलिए परिचय दीजिए। मेरा नाम खुशी कुमारी है, मैं आज यह बता, मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मैं आज यह बताने राजकीय बिहार राज्य के राजकीय बिहार राज्य के राजकीय पुष्प का क्या नाम है? क्या नाम है? गेंदा। गेंदा। खुशी के लिए फिर से तालियां। गेंदा बिहार राज्य के राजकीय, बिहार राज्य के राजकीय पुष्प का क्या नाम है? गेंदा। याद रहेगा, कॉमन फूल है, हमेशा देखते हैं ना माला आप लोगों को पहनाते रहते हैं, किस चीज का अर्थ है? भगवान को चढ़ाते हैं, किस कलर का होता है बताइए तो? उसके बहुत सारे कलर हैं, उसकी बहुत सारी प्रजाति है, समझ रहे हैं ना? कभी एकदम येलो, कभी ऑरेंज, कभी कथी कलर का, छोटा छोटा, बहुत सारे प्रजातियां हैं। तो भारत देश के सॉरी बिहार राज्य के राजकीय पुष्प का क्या नाम है? गेंदा। क्या नाम है? और भारत देश के राष्ट्रीय पुष्प का? कमल। चलिए और दूसरा कमल के लिए देखोगे? ना ना, एक क्वेश्चन और है जी, एक क्वेश्चन और था। मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? कौन किसको बुला रहा है? रिया। रिया कौन है? रिया।
मेरा नाम रिया कुमारी है, मैं कक्षा सिक्स की छात्रा हूँ। हाँ, सेवन की छात्रा हूँ। मैं ये बताने आई हूँ कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? कुत्ता। क्या नाम बोले? रिया। रिया बतलाई कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? कुत्ता। किसको? कुत्ता को। एक चीज है, आप लोग देखते होंगे कुत्ता बहुत जल्दी पालतू बन जाता है। कभी कभी देखते होंगे आपके अगल बगल में कुत्ता अगर रहता है, आपका है भी नहीं, रोड पर का ही है, और एक दो दिन रोटी दे दीजिए, दो तीन दिन, उसके बाद आपके दरवाजे पर आके बैठना शुरू कर देगा, होता है ना। यानी कि मनुष्य का, मनुष्य के पास उनको रहने की इतनी इच्छा होती है। पालतू वही होता है जो मनुष्य के पास रहने की जिसकी इच्छा रहती है, उसी को हम पालतू बना सकते हैं। बाप को हम पालतू बनाने में बहुत दिक्कत होगी, है ना, क्योंकि वो जंगली जानवर है, वो क्या है, कभी भी अटक कर सकता है। बाघ, शेर, ये सभी भयंकर जंगली जानवर है, उसको हम पालतू बना नहीं सकते, लेकिन कुत्ता तो ऑटोमेटिक पालतू हो ही जाता है। तो होता था क्या, बच्चे ध्यान से सुनेंगे इस चीज को, आदि मानव, आदि शुरुआत के, आदि मीन्स शुरुआत, शुरुआत के मानव जब जंगलों में रहते थे तो वो तो वही जानवर के तरह उनका व्यवहार था। वो उस समय संस्कारी नहीं हुए थे, वो पत्थर से मार करके जो भी है मांस, कच्चा मांस खाते थे, यानी भूख मिटाना है तो भूख मिटाते थे। उसी क्रम में जब मांस का टुकड़ा छू जाता था अपने भूख मिटाने के बाद, तो कुत्ता आकर के वहां पर खाने लगता था, समझ रहे ना। तो फिर कुत्तों ने देखा कि अरे इन मानवों के साथ रहने में तो हमको बहुत फायदा है, वो तो खूब मार लेता है, उसके बाद फिर ऑटोमेटिक कुत्ता को मीठा मिल जाता, इसीलिए। हाँ, लेकिन मानव आदि मानव को भी था कि हम ऐसे चीज को पालतू बना ले। कुत्ता दूर से ही भूखने लगता था, जंगली जानवर जब आता था मनुष्य के पास, चूंकि मनुष्य जंगल में रहता था, आदि मानव कहाँ रहता था, जंगल में, तो दूर से ही कुत्ता भूखने लगता था, अपने मालिक को बताने लगता था कि आप सावधान हो जाइए, खतरा है, कहीं से और जानवर आ रहा आप पर अटैक करेगा। तो इस चीज को देखते हुए मनुष्य ने, आदि मानव ने सोचा कि नहीं, कुत्ता को पालतू बनाया जा सकता है, ये हमारा रक्षा भी करता है, ये हमारा क्या करता है, रक्षा करता है। बहुत सारे जंगली जानवर आ जाएंगे, जैसे कि लकड़ भग्गा, सियार, एक खतरनाक जानवर है लकड़ भग्गा भी, उसके बाद से ये सभी खतरनाक है, वो सभी आ जाएंगे तो फिर मेरा खत्म हो जाएगा अस्तित्व ही। तो कुत्ता को उन्होंने, आदि मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया, याद रहेगा, याद रहेगा कि नहीं, याद रखना है। बहुत अच्छा है, सामान्य ज्ञान का सवाल चल नहीं दी थी, प्राय परीक्षा में ये सभी सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आदि मानव ने किसको पालतू बनाया? कुत्ता को। चलिए सवाल दीजिए सर।